जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं वासुदेव द्वादशी की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। वासुदेव द्वादशी का व्रत विधि विधान से करने पर लोगों की सभी अधूरी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा घर में भी सुख शांति बनी रहती है। वासुदेव द्वादशी पर इस विधि से करें पूजा, संतान सुख की होगी प्राप्ति। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वासुदेव द्वादशी मनाई जाती है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो उसके जीवन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द ही पूरी हो जाती है। वैसे ये व्रत खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार यह व्रत नारद मुनि द्वारा वासुदेव एवं देवकी को बताया गया था और वासुदेव और माता देवकी ने पूरी आस्था के साथ द्वादशी तिथि को यह व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। वासुदेव द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें। भगवान वासुदेव को हाथ का पंखा और फूल अर्पित करें। वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने धूप और दीप जलाएं। भगवान वासुदेव को भोग के लिए पंचामृत के साथ साथ चावल की खीर या अन्य कोई भी मिठाई चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वासुदेव द्वादशी के दिन भगवान कृष्ण की स्वर्ण की प्रतिमा का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। हिंदू मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसे जीवन में कभी भी दुख नहीं देखना पड़ता। और इसके अलावा जो भी वैवाहिक जोड़ा संतान की कामना रखता है उसे ये व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत देवशयनी एकादशी के एक दिन बाद किया जाता है और इस व्रत को करने से अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं वासुदेव द्वादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नाम का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पौंड्रक था। पौंड्रक के पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए पौंड्रक खुद को वासुदेव कहा करता था। वह पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था। पौंड्रक मूर्ख अज्ञानी था और उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने कहा उसे कहा कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं बल्कि पौंड्रक भगवान विष्णु के अवतार हैं। अपने मूर्ख दोस्तों की बातों में आकर राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार और पीत वस्त्र धारण करके अपने आप को कृष्ण समझने लगा। एक दिन राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए तुम इन सभी चिन्हों को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ ही युद्ध करो। काफ़ी समय तक भगवान कृष्ण ने मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पौंड्रक की बातें हद से बाहर हो गई तब उन्होंने उत्तर भिजवाया कि मैं तेरा पूर्ण विनाश करके तेरे घमंड को बहुत जल्द नाश करूँगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद राजा पौंड्रक श्री कृष्ण के साथ युद्ध की तैयारी करने लगा। अपने मित्र काशीराज की मदद पाने के लिए काशी नगर गया। भगवान कृष्ण ने पूरे सैन्य बल के साथ काशी देश पर हमला किया। भगवान कृष्ण के आक्रमण करने पर राजा पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने आ गए।
युद्ध के समय राजा पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, रेशमी पीताम्बर आदि धारण किया था और गरुड़ पर विराजमान था। उसने बहुत ही नाटकीय तरीके से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पौंड्रक के इस अवतार को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का वध किया और वापस द्वारिका लौट गए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरश्चरण यज्ञ किया, पर भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारका की तरफ गई। वह आग की लपट लौटकर काशी आ गई और सुदर्शन की मृत्यु की वजह बनी। उसने काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन का ही भस्म कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।